फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, पुश बटन, इमेज बटन, फॉर्मेटेड फील्ड, मोर फील्ड्स के अंतर्गत डेट टाइम व इमेज कंट्रोल के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। अतः इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। हमने एक फॉर्म बना रखा है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा फॉर्म है और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने लेबल लिया है, लेबल में फिर हमने टेक्स्ट इनपुट के लिए टेक्स्ट बॉक्स लिया है। ऐसे हमने जेंडर के लिए ऑप्शन बटन, जिसको हम रेडियो बटन भी कहते हैं, इसका प्रयोग हमने किया है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग किया गया है। स्टेट के लिए हमने कॉम्बो बॉक्स लिया है। ऐसे ही यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे लास्ट क्वालिफिकेशन के लिए हमने चेक बॉक्स का प्रयोग किया गया है और कैटेगरी के लिए हमने यहां पे ऑप्शन बटन का प्रयोग किया है। हमने यहां पे नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए इमेज बटन का प्रयोग किया है, जो कि आप फॉर्म यहां पे देख सकते हैं, इमेज बटन है। और यहां पे अगर आप देखें, फर्स्ट, लास्ट, न्यू, सेव और डिलीट के लिए हमने पुश बटन का प्रयोग किया है। तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में आपको डिजाइन मोड, कंट्रोल विजार्ड, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, यहां तक हमने बहुत ही विस्तार से आपको बताया था। और आज आप सीखेंगे लिस्ट बॉक्स बनाना, कॉम्बो बॉक्स बनाना, पुश बटन, इमेज बटन, फॉर्मेटेड फील्ड कैसे इंसर्ट करेंगे, मोर फील्ड्स में हम डेट का फील्ड कैसे इंसर्ट करेंगे और इमेज कंट्रोल के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं जो कि हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। ये हमारा प्रोजेक्ट था जो हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में आपको दिखाया था और यहां तक हमने पिछले क्लास में बना लिया था। अब इसके आगे हमको और टूल का प्रयोग करते हुए, जैसा कि हमने आपको बताया कि लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन का प्रयोग हम कर ही चुके हैं, अब आगे हम लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स का प्रयोग करके फॉर्म को आगे पूरा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम यहाँ पे लिस्ट बॉक्स और चेक बॉक्स को आपको बताएं, उससे पहले हमको एक डेटाबेस फाइल तैयार करनी होगी जिसमें हमने कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हम सबसे पहले फाइल मेनू पे जाएंगे और एक नया डेटाबेस तैयार करने के लिए हम न्यू पे जाएंगे और यहां पे डेटाबेस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही डेटाबेस ओपन होगा तो यहां पर आपसे पूछेगा कि आप नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो आपको यहीं पे सेलेक्ट रखना है। अगर आपके पास कोई पहले से है तो आप यहां से उसको ले सकते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको नया बनाना है, तो हम क्रिएट न्यू डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और यहां पे हम नेक्स्ट करेंगे। यहां से और आपसे पूछ रहा है, यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी, तो आप इसको सेलेक्ट रखेंगे ऐसे ही और ये भी आप ऐसे रखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, फिनिश कर देना है। यहां पे आपको अपने डेटाबेस का कोई नाम देना होगा, तो यहां पे हम डेटाबेस का नाम अवध कंप्यूटर ज्ञान दे देते हैं। कोई भी नाम आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, हमने यहां पे अवध कंप्यूटर ज्ञान दे दिया है। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक टेबल बनाना है, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो डेटाबेस है कुछ इस तरह से हो जाएगा, जहां पर आपको फील्ड नेम देना है, यानी जो हेडिंग आप देना चाहते हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी, वो आपको फील्ड नेम में रखना है और उसके बाद उसका फील्ड टाइप कैसा रहेगा आपको यहां पे फिल करना है। तो यहां पे हम चलिए फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हमने कुछ फील्ड टाइप कर लिया है, जैसे हमने यहां पर एक नेम लिया है और नेम का जो हमारा फील्ड टाइप होगा वो टेक्स्ट में होगा। रोल नंबर है, रोल नंबर के लिए, क्योंकि हमारा जो रोल नंबर है वो नंबर्स में रहेगा, इसलिए यहां पर हमने जो रोल नंबर का फील्ड है वो हमने नंबर में लिया है। ऐसे हमारा जेंडर है तो जेंडर हमारा टेक्स्ट में रहेगा, तो यहां पे हमने टेक्स्ट लिया है। एफ नेम यानी फादर्स नेम हमारा टेक्स्ट में रहेगा, एड्रेस भी हम टेक्स्ट में लेंगे, पिन कोड इंटीरियर वैल्यू हमारी रहेगी, डिस्ट्रिक्ट हमारा टेक्स्ट में होगा, स्टेट भी हमारा टेक्स्ट में रहेगा, मोबाइल नंबर को हमने नंबर फील्ड में लिया है, डीओबी हमारा डेट फील्ड में होगा। आप यहां पर अगर आप क्लिक करें तो यहां से बहुत सारे आपको फील्ड टाइप मिल जाएंगे, जिस तरह से आपका फील्ड हो उस तरह से आप यहां पर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डेट चूज किया है क्योंकि हमें डेट इंसर्ट कराना है डीओबी, और कैटेगरी हमने टेक्स्ट लिया है। ऐसे ही लास्ट क्वालिफिकेशन के लिए हमने टेक्स्ट और इमेज के लिए हमने यहाँ पे इमेज फील्ड लिया है। अगर आप यहाँ पे देखें, हर एक फील्ड पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे करेक्टर का लेंथ भी लिखा है, आप इसको यहां से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ऐसे रोल नंबर के लिए भी यहाँ पे अगर आप इस फील्ड में जाए तो यहाँ पे भी आपको लेंथ मिलेगा, आप जैसा चाहें वहां पे कर सकते हैं। तो यस लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है, और क्लोज करेंगे तो ये आपसे सेव करने के लिए पूछेगा।
हम यस करते हैं। यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं टेबल को, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट एडमिशन डिटेल नाम दे देते हैं और इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि क्या आप प्राइमरी की डिसाइड करना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं, तो हम इसको नो करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा रोल नंबर है इसी पे हम राइट क्लिक करके यहाँ पे हम इसको प्राइमरी की बना देते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी की हो गया है। हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और सेव करेंगे। तो ये हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इस स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स का जो हमारा टेबल है इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने कुछ स्टूडेंट का नाम इंटर कर लेते हैं, कुछ डेटा इंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट का डेटा इनपुट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टेबल को जो है सेव करेंगे और सेव करके इसको क्लोज करते हैं और इस डेटाबेस विंडो को हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम पुनः फॉर्म को ओपन करेंगे अपने, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ फील्ड्स हमने लिया है जो कि हमारे उस डेटाबेस में नहीं है और कुछ फील्ड्स वहाँ पे है जो यहाँ पे नहीं है, तो उसको हम पहले यहाँ पे सेट कर देते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमारे मदर्स नेम नहीं है, वहाँ पे हमने मदर्स नेम का फील्ड नहीं दिया और यहाँ पे मदर्स नेम है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा। और इसके लिए हम फॉर्म में जाएंगे, डिजाइन मोड को ऑफ करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करके इसको हम क्या करते हैं हटा देते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं। फादर्स नेम को हम इधर साइड में ले आएंगे, तो इसके लिए हम शिफ्ट के साथ फादर्स नेम और इस बास को सिलेक्ट करके राइट एरो से इधर ड्रैग कर देंगे। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक डीओबी का, क्योंकि हमारे फील्ड में डीओबी यहाँ पे नहीं है जबकि वहां पे हमने डीओबी फील्ड भी लिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्म में जाएंगे, एक लेबल लेंगे डीओबी का, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और लेबल फील्ड को रीनेम कर देंगे डीओबी से। इसके बाद हम फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और इसको बोल्ड करेंगे, साथ ही फॉन्ट साइज 12 कर देंगे, ओके करेंगे। इसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं और डेट ऑफ बर्थ इनपुट करने के लिए हम यहां फॉर्म में जाएंगे और फॉर्म में जाके जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये सारे तो हम करा ही चुके हैं, मोर फील्ड में जाके हम डेट फील्ड पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमको डेट इनपुट कराना है, तो डेट फील्ड लेंगे और यहां पे हम एक बॉक्स ड्रैग कर लेते हैं। इस पे हम पुनः डबल क्लिक करेंगे इस बॉक्स पे, इसका प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे मिनिमम डेट क्या रखना चाहते हैं, मैक्सिमम डेट यानी कहां से कहां तक आप चाहते हैं कि डीओबी दिखाए उसमें, तो यहां पे आप देख ही रहे हैं 1/1/1800 से लेकर 31/12/2200 तक डेट यहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेट फॉर्मेट आपका कैसा होगा, तो हम यहां पे ये फॉर्मेट ले लेते हैं DDMMYY और यहां पे डिफॉल्ट डेट आपका करंट डेट है, आप चाहें तो कोई और भी दे सकते हैं, तो यहां पे हम यही रखते हैं। स्पिन बटन अगर यहां पे देखें तो अभी कोई बटन नहीं है, अगर हम जैसे ही स्पिन बटन को यस करेंगे आप देखेंगे यहां पे एक बटन आ गई है। और ऐसे ही अगर आप ड्रॉप डाउन बटन भी चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा और नीचे आना है, तो यहां पे अगर आप देखें तो ड्रॉप डाउन नो है, हम जैसे क्लिक करेंगे और एस करेंगे आप देखें यहां पे एक ड्रॉप डाउन बटन भी आ गया है, जिससे इस पे आप क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आपका ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद अगर इसको कलर भी करना चाहते हैं डीओबी का जो फील्ड है, तो आप यहां पे बैकग्राउंड को ही दे दीजिए, जैसा कि हम ये बैकग्राउंड दे देते हैं। और इसमें जो हमारा टेक्स्ट होगा उस किस स्टाइल में होगा, बोल्ड होगा कि नहीं, साइज क्या होगा, तो उसके लिए आपको फॉन्ट में जाना पड़ेगा और यहां फॉन्ट में जाके आप साइज ले लीजिए और इसको बोल्ड कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा, इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। दोस्तों अभी यहां पे हमने स्टेट के लिए पहले जो है टेक्स्ट बॉक्स लिया था, लेकिन अब हम यहां पे टेक्स्ट बॉक्स ना लेकर यहां पे हम कॉम्बो बॉक्स का प्रयोग करेंगे, तो इसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं और हम चलेंगे पुनः फॉर्म में और कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने कॉम्बो बॉक्स आपको नहीं पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, हमने छोड़ दिया था, तो अब यहां पे आप कॉम्बो बॉक्स के बारे में जान सकते हैं कि कैसे कॉम्बो बॉक्स का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे हमने कॉम्बो बॉक्स को ड्रैग किया है और जैसे ही हमने ड्रैग किया यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे एक बॉक्स आ गया, कॉम्बो बॉक्स का विजार्ड आ गया है, तो वहां पर जो भी आपने डेटाबेस बनाया था उसका नाम भी यहां पे शो कर रहा है, तो इस डेटाबेस को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आपका टेबल है, इसके बाद आपको टेबल पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप यहां पे देखें तो आपका टेबल यहां पे शो कर रहा है, आप पुनः नेक्स्ट करेंगे और यहां पे जो आपका कॉम्बो बॉक्स है इसमें किस फील्ड को दिखाना चाहते हैं, तो यहां पे हम स्टेट फील्ड को दिखाना चाहते हैं, तो स्टेट पे हम क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसको यहां पे क्या करना है, यहां पे हमको एस कर देना है,
यहां पे हम फील्ड फिर से ले लेंगे, स्टेट और फिनिश करेंगे। तो यहां पे हमारा स्टेट का फील्ड आ गया है। अगर हम यहां पे फॉर्म में जाएं, डिजाइन मोड को ऑफ करें, तो आप देखिए यहां पे स्टेट जो भी हमने वहां पे अपने डेटाबेस में बनाया था वो डेटाबेस के अनुसार यहां पे स्टेट शो कर रहा है। चलिए हम पुनः फॉर्म को इनेबल करते हैं, डिजाइन मोड को ऑन करते हैं, और अब हमको क्या बनाना है, अब हम यहां पे एक इमेज के लिए जो है एक बॉक्स ले लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, फॉर्म में जाना है और यहां पे अब आपको इमेज कंट्रोल बॉक्स को लेना है। तो इमेज कंट्रोल बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे आके अपने इमेज के लिए ड्रैग कर लेंगे। अभी अगर आप यहां पे देखें तो ये हमारा जो इमेज बॉक्स है ये इधर साइड में नहीं जा रहा है, यानी हमारे राइट साइड में नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमको डबल क्लिक करना है और एंकर पॉइंट को हमको चेंज करना है। यहां पे एंकर पॉइंट हमारा एज करेक्टर है, इसको हम पैराग्राफ कर देंगे। अब इसको हम क्लोज करके देखते हैं, अब ये हमारा जो है इधर मूव हो रहा है। तो यहां पे हमारा फोटो के लिए हो गया है, इस पर भी हमको कुछ सेटिंग करना है, इस पर हम डबल क्लिक कर देते हैं। और यहां पे अगर इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहें या बॉर्डर जो आपका है, तो बॉर्डर यहां पे हम हमारा 3D लुक है, हम इसको फ्लैट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं फोटो का, फोटो चाहे तो आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली उस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। तो ये हो गया हमारा। अब यहां पे हमको पुश बटन बनाना है और इमेज बटन बनाना है। तो दोस्तों हमने आपको अभी तक डिजाइन मोड, कंट्रोल विजार्ड, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स भी हमने आपको बता दिया। लिस्ट बॉक्स अभी हमने आपको नहीं बताया है, लिस्ट बॉक्स अभी हम बाद में आपको बता देंगे। और कॉम्बो बॉक्स हमने अभी आपको करके दिखा दिया, ये जो हमारा बना है स्टेट का ये कॉम्बो बॉक्स है। ऐसे चाहते तो हम डिस्ट्रिक्ट का भी बना सकते थे, डिस्ट्रिक्ट का भी कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे बन जाता। अब हमको पुश बटन बनाना है और इमेज बटन बनाना है। तो सबसे पहले हम आपको इमेज बटन बना के दिखाते हैं। इमेज बटन पे क्लिक करेंगे, यहां पे हम ड्रैग करते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। दोस्तों इमेज बटन और पुश बटन में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि आप इमेज बटन में आप लिखने के बजाय, टेक्स्ट को लिखने के बजाय आप उसमें कोई इमेज डाल सकते हैं उससे संबंधित, जबकि जो हमारा पुश बटन है पुश बटन में आपको लिखना पड़ता है। जैसे यहां पे अभी आप देखें तो यहां पे लिखने के लिए ऑप्शन यहां पे नहीं है, जबकि आपको दिखाएंगे हम जब हम पुश बटन लेंगे तो वहां पे लिखने का ऑप्शन यहां पे आ जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम नीचे जाएंगे और यहां पे हम ग्राफिक्स ले लेंगे और ग्राफिक्स में हम इसके लिए ग्राफिक्स चूज कर लेंगे। इसमें क्या रहेगा, तो यहां पे हम डेस्कटॉप पे इसका ग्राफिक्स लिए हैं नेक्स्ट का, तो हम यहां पे नेक्स्ट लेंगे, ओपन करेंगे। अब यहां पे देखिए हमारे इस बॉक्स में जो हमारा इमेज बटन है इसमें बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर को हटाना है। आप चाहते हैं बॉर्डर ना रहे तो यहां पे आप क्या करेंगे, बॉर्डर 3D लुक है इसको हम विदाउट फ्रेम कर देंगे। साथ ही जो एक्शन क्या है, ये क्या कार्य करेगा, तो एक्शन भी हमको निर्धारित करना है। एक्शन में हम इसको दे देते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो ये नेक्स्ट का काम यहां पे करेगा। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ऐसे ही हम एक और बटन बनाएंगे और फॉर्म में जाएंगे, इमेज बटन पर क्लिक करेंगे, इस पर भी हम डबल क्लिक करते हैं। यहां पे हम नीचे जाएंगे, बॉर्डर विदाउट फ्रेम, एक्शन इसमें क्या होगा, प्रीवियस का रहेगा हमारा, और इमेज ले लेंगे ग्राफिक्स यहां पे प्रीवियस का, ओपन करेंगे तो यहां पे प्रीवियस का आ गया है। अब इसको हम क्लोज करते हैं। अगर आप देखें तो यहां पे दो बटन हमारी बन गई है, नेक्स्ट और प्रीवियस। तो नेक्स्ट और प्रीवियस का कार्य हम जो है इमेज बटन से करेंगे, और आगे का जो बटन हमको बनाना है उसके लिए हम फॉर्म में जाएंगे और यहां पे हम पुश बटन का प्रयोग करेंगे। हम पुश बटन पे क्लिक करते हैं, और हम 3-4 बटन ले लेते हैं यहां पे। इसको हम डबल क्लिक करके रीनेम कर लेते हैं, यानी प्रॉपर्टीज इसकी चेंज कर लेते हैं। यहां पे हमने रिकॉर्ड दे दिया फर्स्ट पे जाने के लिए, और नीचे जाएंगे ऐसे ही हम इसको हम लास्ट दे देते हैं, इसको हम सेव कर देंगे, इसको हम
न्यू कर देंगे, न्यू रिकॉर्ड एंटर करने के लिए। ऐसे ही हम और बनाना चाहें तो डिलीट का भी बना सकते हैं। तो चलिए हम इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बन गया है, इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसके लिए हमको शिफ्ट प्रेस करना है और इसके बाद इस चारों को सेलेक्ट कर लेंगे। इसका फॉन्ट हमको चेंज करना है, एक साथ ही हम चेंज कर देंगे जिससे ज़्यादा समय ना लगे। तो हम एक एक ना करके एक साथ सेलेक्ट करके करते हैं। यहाँ पे हम बोल्ड करेंगे, इसको साइज 12 कर देंगे और ओके करेंगे। ये बोल्ड हो गया है। अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर भी आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर भी आ गया है। अगर तो डार्क कलर में आप लेना चाहें तो डार्क कलर भी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद डिफॉल्ट बटन आप इसमें चाहें तो यस कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा हाईलाइट आपको दिखेगा, उठा हुआ बटन। ये करने के बाद आपको क्या करना है, क्लोज करना है। और क्लोज करने के बाद अभी सबका जो है कार्य भी निर्धारित करना है। तो हम एक एक, एक पर क्लिक करते हैं। फर्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम एक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे फर्स्ट रिकॉर्ड। लास्ट पे क्लिक करेंगे, एक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे लास्ट। यहाँ हम सेव पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करने के बाद एक्शन इसका निर्धारित करेंगे, सेव। ऐसे न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाके हम एक्शन निर्धारित कर देंगे न्यू रिकॉर्ड का। ऐसे आप देखें तो डिलीट का भी है, रिफ्रेश का भी है, ऐसे और भी बटन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें हमारा फॉर्म जो है बन चुका है। लेकिन अभी ये फॉर्म तो बना है, लेकिन हमने जो डेटा बेस बनाया था उससे लिंक नहीं है। तो लिंक करने के लिए क्या करना है, हमको फॉर्म में जाना है और फॉर्म प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको डेटा में जाना है। डेटा में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए अवध हमारा कंप्यूटर ज्ञान जो हमने बनाया था बाद में वो पहले से ही सिलेक्ट है। अगर आपका नहीं यहाँ पे शो कर रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस बटन पे और आपकी फाइल जहां पे भी है वहां से उसको ले सकते हैं। तो हमारा पहले से ही सिलेक्ट है तो हमको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कंटेंट टाइप आपका टेबल रहेगा, कंटेंट में जिस नाम से हमने टेबल को बनाया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। ये सब आपका पहले से ही सिलेक्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको इसे क्लोज कर देना है। तो हमारा फॉर्म यहाँ पे इससे लिंक हो गया है, डेटाबेस से लिंक हो गया है। अब क्या करना है, अभी डेटाबेस से हमारा लिंक है फॉर्म, लेकिन अगर हम फॉर्म में जाएं और डिजाइन मोड को ऑफ करें तो आपको कुछ विशेष अंतर नहीं दिखेगा। यहाँ पे अभी हमारा जो है नेम वगैरह नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमको पुनः क्या करना है, फॉर्म को फॉर्म में जाना है और डिजाइन मोड को ऑन करना है। अब हर एक फील्ड को हमको जो है लिंक कर देना है उसके डेटा फील्ड से। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे नेम है तो नेम पर हम डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डेटा में जाएंगे, डेटा में जाके हम नेम वाला लेंगे और यहाँ पे हम एस करेंगे, इनपुट रिक्वायर्ड एस करेंगे। और इसके बाद हम दूसरे पे क्लिक करते हैं, रोल नंबर है, रोल नंबर के लिए हम यहाँ पे रोल नंबर वाला ले लेंगे, इसको एस करेंगे और इसको भी हम एस कर देंगे। ऐसे हम मेल पे जाएंगे, यहाँ पे हम जेंडर लेंगे, इनपुट रिक्वायर्ड एस करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे मेल। इसके बाद हम फीमेल लेंगे, यहां भी हम जेंडर लेंगे, एस करेंगे और यहां पे टाइप कर देंगे फीमेल। आपको रेफरेंस वैल्यू में टाइप करना होगा जो भी आपका ऑप्शन बटन में लिखा होगा। और इसके बाद हमारा आता है डीओबी, तो डीओबी पे जाएंगे, डेटा फील्ड में जाएंगे और डीओबी वाले फील्ड को हम यहां पे लेंगे, इनपुट रिक्वायर्ड एस करेंगे। फादर्स नेम पे जाएंगे, यहां पे फादर्स नेम लेंगे, इनपुट रिक्वायर्ड एस करेंगे। और एड्रेस में जाएंगे, एड्रेस यहां से हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहां पे एस करके इनपुट रिक्वायर्ड एस करेंगे। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, यहां भी हम डिस्ट्रिक्ट को लेंगे, एस करेंगे और इसको भी हम एस करेंगे। ऐसे पिन कोड, यहां पे पिन कोड लेंगे, यस एस। स्टेट, स्टेट हमने ले ही लिया था, पहले ही आपको करके दिखा दिए थे। और मोबाइल नंबर, तो यहां पे हमने मोबाइल नंबर का ले लिया है, एस करेंगे, एस करेंगे। और इसके बाद हम ऐसे कैटेगरी में जाएंगे, जनरल को लेंगे, यहां पे हम कैटेगरी लेंगे, एस करेंगे और कैटेगरी यहां पे हमको लिखना पड़ेगा। तो यहां पे हम जनरल कर देते हैं। ऐसे हम ओबीसी करेंगे,
एसएससी फिर एसटी पे क्लिक करेंगे और यहां से कैटेगरी एस और वैल्यू में एसटी। ऐसे ही हम अदर को भी लेंगे कैटेगरी एस और अदर। इतना करने के बाद आपको फिर लास्ट क्वालिफिकेशन वाले में जाना है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहां पे अब हम लास्ट क्वालिफिकेशन लेंगे एस करेंगे। यहां पे रेफरेंस वैल्यू क्या होगा, रेफरेंस वैल्यू हमारा 10th है तो हम यहां पे 10th टाइप कर देंगे। ऐसे हम 12th लेंगे लास्ट क्वालिफिकेशन एस 12th। यूजी इसके लिए लास्ट क्वालिफिकेशन यस और यहां पे यूजी। पीजी पे क्लिक करेंगे और यहां पे लास्ट क्वालिफिकेशन एस पीजी। ऐसे अदर पे क्लिक करेंगे और लास्ट क्वालिफिकेशन एस अदर। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करेंगे तो ये हमारा जो है इससे लिंक हो गया, लेकिन अभी हमने इमेज को लिंक नहीं किया है तो हम इमेज पे भी डबल क्लिक करेंगे और यहां पे डेटा फील्ड आपको इमेज ले लेना है, यहां पे इनपुट रिक्वायर्ड एस कर देना है। इसके बाद हमको यहां से क्लोज कर देना है। तो अब हमारा जो फॉर्म है ये हमारे डेटाबेस से एक एक फील्ड इसकी लिंक हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम फॉर्म पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और डिजाइन मोड को ऑफ करेंगे। जैसे ही हम ऑफ किए, अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे हमारा जो भी डेटा था फर्स्ट रिकॉर्ड वो यहां पे शो कर रहा है। सब कुछ आप देखें तो यहां पे कैटेगरी भी सिलेक्ट है, यहां पे हमारा क्लास भी सिलेक्ट है। अगर हम अब यहां पे बटन का कार्य देख सकते हैं आप, तो यहां पे हम अगर नेक्स्ट करते हैं तो यहां पे देखिए हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया, रोल नंबर यहां पे 2 आ रहा है, ड्यूबी और ये सारा कुछ चेंज हो रहा है। अब जैसे ही हम नेक्स्ट किए, प्रीवियस रिकॉर्ड हमारा हाईलाइट है, हम प्रीवियस भी कर सकते हैं, समर्थ वाला आ गया, हम नेक्स्ट करते हैं तो पुनः विकास का आ जाता है, नेक्स्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारा जो है एक एक करके चेंज हो रहा है। और यहां से अगर हम देखिए यहां पे अभी 5 नंबर पे हैं और रोल नंबर हमारा देखें तो 5 नंबर पे है, हम फर्स्ट जैसे ही करेंगे तो हमारा फर्स्ट वाला आ जाएगा। ऐसे हम लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो लास्ट रिकॉर्ड जो हमारा है वो हमारा आ जाएगा। अभी यहां पे आप देखें तो यहां पे फोटो नहीं आ रहा है, तो फोटो के लिए आपको क्या करना है, फोटो आप यहीं से लगा सकते हैं, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो आप देखें यहां पे हमारा एक बॉक्स खुलेगा, यहां से आप अपनी फोटो जो भी है वो ले सकते हैं। जैसे हम यहां पे फोटो ले लेते हैं, ये फोटो लग गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस रिकॉर्ड को सेव करना है, तो आप यहां से भी सेव कर सकते हैं। अगर आप यहां नीचे बटन देखें तो ये हाईलाइट है भी, और यहां से अगर हम सेव पर क्लिक करते हैं तो हमारी ये जो फोटो है इसमें सेव हो गई है, और अब यहां से देखें तो हाईलाइट आपका खत्म हो गया है। ऐसे हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चलते हैं यहां से, और यहां भी फोटो नहीं है, तो इसके लिए भी हमको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, यहां पे हमको फोटो चूज कर लेना है स्टूडेंट का। और क्या करना है, आप चाहे तो यहां से भी सेव कर सकते हैं, यहां से भी हमारी ये सेव हो गई। और जैसे हमने सेव किया तो यहां पे जो हमारा हाईलाइट दिख रहा था सेव करने का, वो जो है हाईलाइट खत्म हो गया है। अब हम पुनः नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, यहां भी हम फोटो लगाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, और जैसे ही हमने यहां पे फोटो लिया यहां पे पुनः सेव एक्टिव हो गया, सेव पर क्लिक कर देंगे, ये भी सेव हो गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, यहां पे भी हम डबल क्लिक करेंगे फोटो पे, ये फोटो आ गई है और हमको क्या करना है, सेव कर देना है। नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे, यहां भी हम फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो को ओपन करेंगे, ये फोटो आ गई है, इसको हम सेव कर देंगे। ऐसे हम पुनः नेक्स्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे फोटो पे, फोटो पे क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे, ये फोटो आई, इसको हम सेव कर देंगे। पुनः नेक्स्ट करेंगे, फोटो पे डबल क्लिक करेंगे, फोटो पे क्लिक करके ओपन करेंगे, ये फोटो आ गई, इसको हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं और फोटो पे क्लिक करके ओपन किए और इसको सेव कर दिए। ऐसे हम नेक्स्ट करेंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे,
फोटो लिए हम, ओपन किए और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से अब देखें तो हमारा फॉर्म ये बन गया है। आप यहां से नेक्स्ट कर सकते हैं और प्रीवियस कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट अगला हमारा कुछ नहीं है तो यहां से प्रीवियस हो रहा है, प्रीवियस करेंगे। अभी आप देखें तो फोटो फिट नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है, आप चाहते हैं फोटो फिट हो तो आपको हर एक फील्ड में क्या करना होगा, इसको डिजाइन मोड को, फॉर्म में डिजाइन मोड को ऑन करना है और इस पर डबल क्लिक करना है, जनरल में जाना है और फोटो का जो है स्केल की रेशियो जो है इसको फिट टू साइज करना है। जैसे आप फिट टू साइज करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, आपके फोटो के बॉक्स के हिसाब से वो फिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पुनः डिजाइन मोड को ऑन करेंगे। अब आप देखें तो सारी फोटो आपके इसमें फिट आ रही है। अभी यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां पे जो हमारा जो स्टेट है ये बहुत हल्का दिख रहा है, मतलब छोटा दिख रहा है फॉन्ट। तो हमने यहां पे गलती की थी कि हमने वहां पे फॉन्ट साइज इसका चेंज नहीं किया था, तो इसको भी सही करने के लिए हमको पुनः डिजाइन मोड को ऑन करना होगा और इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, जनरल पे जाएंगे, जनरल टैब खुला ही है हमारा। यहां पे हम फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में जाके हम क्या करेंगे, यहां पे बोल्ड कर देंगे और इसको 12 करके ओके कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम पुनः फॉर्म को खोलते हैं तो यहां पे अब ये भी आपको डार्क में दिख रहा है। तो दोस्तों आपको यहां पे जो फॉर्म में हमने टूल्स बताया आपको समझ में आया होगा। अभी इसमें एक टूल्स आपका बच रहा है, लिस्ट बॉक्स आपको नहीं बताया है, तो इसके लिए हम नीचे ही इसमें बता देते हैं लिस्ट बॉक्स कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्म में जाना है, लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। हम यहां पे एक ड्रैग कर लेते हैं लिस्ट बॉक्स, यहां पे जैसे हमने लिस्ट बॉक्स लिया, ड्रैग करके छोड़ा, यहां पे ये हमारा फॉर्म आ गया है, इसी पे हम नेक्स्ट करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। यहां पे आप लिस्ट में क्या दिखाना चाहते हैं, तो जैसे हम यहां पे मान लीजिए नेम दिखाना चाहते हैं तो यहां पे हमने नेम ले लिया, फिर नेक्स्ट करेंगे, यहां पे हम पुनः नेम लेंगे और यहां पे भी हम नेम को ही लेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। अब हम जैसे ही फॉर्म को डिजाइन मोड को ऑफ करेंगे, आप यहां पे देखेंगे स्टूडेंट का जो नेम है उसकी लिस्ट यहां पे आ गई है। तो जब आपको लिस्ट लेना हो, लिस्ट बॉक्स जो है चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां फॉर्म में जाके एक लिस्ट बॉक्स का जो है फील्ड आपको ड्रैग करना होगा और उसके द्वारा आप स्टूडेंट की लिस्ट ले सकते हैं। तो ये आपका यहां पे लिस्ट बॉक्स हो गया। दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हमने एक कंप्लीट फॉर्म आपको बना के दिखाया है। दोस्तों अगर आप इसमें बैकग्राउंड भी लगाना चाहते हैं, पेज को कलर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना है और फॉर्मेट में जाने के बाद पेज स्टाइल में जाना है, यहां पे आपको कलर पे जाना है, कोई भी कलर जो आप लेना चाहें ले सकते हैं, या ग्रेडियंट आपको लेना चाहें तो यहां से ग्रेडियंट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां पे ये वाला लेते हैं और अप्लाई करते हैं, आप देखें हमारा पेज जो है इस तरह से हो गया है, आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है फॉर्म। आपको अगर इसमें नया रिकॉर्ड और जोड़ना है, जैसे यहां पे हमने 8-9 रिकॉर्ड यहां पे लिया था, तो नया रिकॉर्ड जब आप और लेना चाहें तो आप इसके लिए न्यू पेज आके क्लिक करेंगे और यहां पे जो भी फॉर्म में डिटेल्स है वो फिल करेंगे, फोटो वगैरह लगाएंगे, उसके बाद सेव करेंगे तो वो रिकॉर्ड भी आपके डेटाबेस में जुड़ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। आज का ये हमारा ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करना तथा अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ और मेनू, कुछ और टूल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।